जीवन यात्रा में अनेक स्वभाव संस्कार के लोग हर जगह मिलते रहते हैं। परिस्थितियां भी अनुकूल प्रतिकूल बदलती रहती हैं। कुछ लोग निंदा करने वाले होते हैं, कुछ लोग प्रशंसा करने वाले होते हैं, कुछ लोग सहयोग करने वाले होते हैं, कुछ लोग विघ्न बाधा डालने वाले होते हैं, कुछ लोग सम्मान करने वाले होते हैं, कुछ अपमान करने वाले होते हैं, कुछ लोग बात मानने वाले होते हैं, कुछ लोग बात नहीं मानने वाले होते हैं। परिस्थिति अभी अनुकूल है, सुखद है, कुछ देर के पश्चात परिस्थिति प्रतिकूल हो जाती है, दुखद हो जाती है। इन सब से हमारे चित्त में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। चित्त उद्वेगित, अशांत, व्यथित होने लगता है। कैसे जिए सबके बीच में, करना क्या है, रास्ता क्या है? रास्ता है संतोष और समता का व्यवहार। इस पर श्री निर्मल साहब जी का एक बहुत सुंदर पद है, क्योंकि सभी संतों के सामने अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती रही हैं, अनेक स्वभाव संस्कार के लोग उन्हें मिलते रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने को सबसे बचाकर शांत जीवन व्यतीत किया, और जो उनके अनुभव में आया हम लोगों के लिए लिख कर अपने वाणी रूप में छोड़ गए। श्री निर्मल साहब जी कहते हैं, कोई माने न माने हमार कहना, चाहे कोई माने चाहे मत माने, अपने मौज में मगन रहना। सत्यवाद की शिक्षा देना, पक्षपात नहीं करना, राग द्वेष में चित नहीं देना, भला बुरा सबका सहना, बैर विरोध किसी से नहीं, दो दिन है जग में रहना। निर्मल दास तजके विक्षेपता, चित्त की वृत्ति शांत करना। श्री निर्मल साहब महावैराग्यवान, अद्भुत प्रतिभा के धनी, स्कूल नहीं गए पढ़ने के लिए, थोड़ा बहुत रहते कुछ पढ़ ली लिए बस, लेकिन शास्त्रों में उनकी ऐसी गहरी बैठ है और ऐसी धारदार व्यंग्यात्मक वाणी कहते हैं कि पढ़ने से मन विदग्ध हो जाता है।
महातेजवान पुरुष थे। थोड़े दिन में ही 39 साल की उम्र में उनका शरीर छूट गया। यदि अधिक लंबे समय तक रहते तो पता नहीं है हमारे सिद्धांत को कैसे कैसे अद्भुत ग्रंथ दे दिए होते। मस्त मौला थे, लिख लेते थे और कापी कहीं का कहीं छोड़ देते थे। कितनी कापियां उनकी विलुप्त हो गई, नहीं मिली। जो कुछ मिला उनका संपादन करके निर्मल सत्यगान प्रभाकर नाम से छपाया गया, जिस पर गुरुदेव जी की टीका भी है इसी नाम से। अंतिम अंतिम में गुरुदेव जी ने टीका की थी उसकी। उसी में का एक पद है, हम चाहते क्या है, जिन लोगों से हम अपनी बात कहें वे सब हमारी बातों को मानते चले जाएं, और जब वे बात नहीं मानते तो हमें नाखुशी होती है, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने मेरी अवज्ञा कर दी, उन्होंने मेरी बातों की अवहेलना कर दी, हम दुखी हो जाते हैं। और ये दुखी होना हमारी कमजोरी है, हमारी कमी है। अपनी बात कह दो, वह भी जो उचित हो और समय के अनुकूल हो। आपकी बात कितनी सही क्यों ना हो, न्यायप्रिय क्यों ना हो, आप केवल उसे कहो, मनवाने का हठ मत करो। मनवाने का हठ जहां भी करेंगे वहीं गड़बड़ी होगी, टूटन पैदा होगी। हम अच्छी बात कह रहे हैं, उस अच्छी बात का अपने जीवन में स्वयं आचरण कर लें, बस हमारा काम बन गया। हम क्या चाहते हैं, जो अच्छी बात, अच्छी राय, अच्छी सीख मैं दूसरों को दे रहा हूं, वे सब मेरी सीख, मेरी बात राय को मानकर सही मार्ग में चलकर सुख से जिए, तो काम पहले कर लेना। हम स्वयं सुख से जिए, अच्छे रास्ते पर चलकर अपना कल्याण करें, दूसरा कोई हमारी बात नहीं मानेगा तो हमारा घाटा क्या है। हम मान लिए अपनी बात, सही बात, न्याय कराते हुए चलते हैं, हमारा काम बन गया बस। लेकिन होता क्या है, हम चले या ना चले, जिससे कह रहे हैं वो जरूर चले, यही गड़बड़ी है। और जो बड़े कहलाने वाले हो जाते हैं वे और पिता है, गुरु है, महंत, मठ का महंत है, अधिकारी है, वे सब चाहते हैं कि मेरे मातहत रहने वाले लोग सब मेरी बातों को मानते जाएं, मेरी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम न करे। आदमी मिट्टी की मूर्ति नहीं है, जिससे हम अपनी बात कह रहे हैं उसके पास भी अपना स्वयं का मन है, जिसे वो अच्छा मानेगा वो करेगा, नहीं मानेगा नहीं करेगा। आपके सामने सिर काट करके रख दो, क्यों दुखी होते हो। हमारे पूर्व संत दुखी नहीं हुए, कह दिए बस। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, हम तो सबकी कही मोको कोई न जान, तब भी अच्छा
अब भी अच्छा जुग जुग हो न आन। ये वीरता, ये उनकी महानता है। साहब कहते हैं मैंने सबकी बात कह दी, सबके भलाई के लिए बात कह दी, लेकिन मेरी बातों को समझने वाले बहुत कम मिले। साहब तो कहते कोई ना जान, मेरी बातों को जानने वाला कोई नहीं मिला, मतलब बहुत थोड़े लोग मिले। कोई ना कोई तो मिला, तब परंपरा चली, बहुत थोड़े लोग मिले। लेकिन साहब कहते हैं तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, कोई मेरी बात माने तो और ना माने तो मैं बदलने वाला नहीं हूं, मैं तो हमेशा संतुष्ट शांत प्रसन्न रहता हूं। श्री निर्मल साहब यही बात कहते हैं, चाहे कोई माने चाहे मत माने, अपने मौज में मगन रहना। जो आपकी बात मानता है धन्यवाद दे दो, नहीं मानता है धन्यवाद दे दो, लेकिन अपने मन को दुखी मत करो, अपनी प्रसन्नता को खो मत, अपनी शांति को खो मत, ये लालसा ही ना करो कि सब हमारी बात माने। कैसे हो सकता है? हजार में लाख में एक आदमी ही मान ले तो बड़ी बात है। यदि दुनिया में जितने भी संत गुरुजन हुए हैं उनकी बात मान ली होते सब के सब, तो क्या हमारा समाज ऐसा ही होता जैसा आज है? कितना बदल गया होता। सभी संत दया की, क्षमा की, प्रेम की, समता की, त्याग की, संतोष की, सरलता की, सहनशीलता की सीख तो देते हैं। परिणाम क्या हो रहा है? ऐसा भी होता है कई जगह संत या गुरु प्रवक्ता बैठे हैं, एक घंटा तक उपदेश प्रवचन कर रहे हैं, अब बड़ी भीड़ है, हजारों की भीड़ है, अब बता भी रहे हैं संत, जो गुरु प्रवक्ता बता रहे हैं जीवन कैसे जीना, सुख कैसे जीना है, शांति कैसे जीना, व्यवहार कैसे करना है। जितना जीवन दुर्व्यसन से मुक्त होगा, दुर्गुण से दुराचरण से मुक्त होगा, उतना सुखी जीवन होगा। ये सारे नशा दुर्व्यसन की चीजें हैं, सब हानि करने वाले हैं। पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, स्वास्थ्य की बर्बादी, वातावरण की बर्बादी, ये सब करने वाले हैं। अच्छी सीख दे रहे हैं संत, आधा घंटा 15 मिनट बोले समाप्त हुआ, महाराज जी उठे नहीं हैं, वहीं बीड़ी सुलगना शुरू हो गया, निकलना मुश्किल हो गया। इतना भी लोग नहीं सोचे कि महाराज जी या प्रवक्ता जी उठ कर चले जाए तब हम लोग बीड़ी पिए, वो वहीं वहीं बैठे हैं, बस पंडाल से बाहर नहीं हुए कि सबके हाथ में सब जेब से बीड़ी निकल गई, सुलगना शुरू हो गया। समझा बाजी महाराज जी, 15 मिनट भी इंतजार नहीं कर पाते हैं लोग, कैसे कह रहे हैं? लेकिन वे दुखी नहीं होते, उनका सही रास्ता बताना है बस। जो चलेगा सुखी होगा, नहीं चलेगा अपना जाना, हमारा क्या लेगा? साहब कहते हैं तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हूं ना, मैं दूसरा होने वाला नहीं हूं, मैं पहले शांत था अभी शांत हूं, पहले संतुष्ट था अभी संतुष्ट हूं, मेरी शांति, मेरी प्रसन्नता, मेरे संतोष में रंच मात्र भी कमी नहीं होने वाला है। अपने मौज में मगन रहना, अपने मौज में मगन रहो भाई, बस कह दो। कौन किसको समझा पाया है आज तक, राय दे पाया है? जिनको बड़े बड़े कहते हो, जिनको लोग कहते हैं कि दुनिया भर के मालिक परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान, समझा पाए? कहते हैं जिनके अंगुली हिलाने मात्र से
दुनिया का प्रलय हो सकता है, क्या वे अपनी बात लोगों से मनवा पाए? जिनके अंगुली हिलाने मात्र से दुनिया का प्रलय हो जाता है, नहीं दुनिया मिल पाती है, वो भगवान कृष्ण दुर्धन बुद्धि को बदल नहीं पाए, समझा नहीं पाए। अनंत ब्रह्मांड के नायक है ना, केवल सर्वशक्तिमान है। दुर्योधन की बुद्धि को कृष्ण बदल दिए होते, महाभारत की लड़ाई ना होती, समझा पाए भगवान? एक दुर्योधन को नहीं समझा पाए, दुनिया भर के मालिक हैं, कहां समझा पाए? दुर्योधन की बात तो छोड़ दो, महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और गीता का ज्ञान पाकर अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। गीता का ज्ञान बहुत बढ़िया ज्ञान है, कुछ बातें उनको आप हम ना माने, लेकिन उनमें जो तमाम ऐसी बातें हैं जो बहुत ही कल्याणकारी हैं मानव मात्र के लिए। तो जिस श्री कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान देकर अर्जुन के अज्ञान को मोह को दूर कर दिया, वही भगवान कृष्ण अपने बेटे को बाल बच्चों को शराब पीने से मना नहीं कर पाए। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम महाशराबी, उनका बेटा शराबी, उनका पोता शराबी, अपने परिवार को समझा नहीं पाए। दुनिया भर का कल्याण कर देगा, देख लो पढ़ करके महाभारत, मैं अपनी ओर से बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी महाभारत पढ़कर देख सकता है। उनके सामने ही शराब पी पी कर सब उन्मत्त हो गए और एक दूसरे को काट काट कर सब मर गए। अनंत ब्रह्मांड के नायक दुनिया भर को संभालने वाले अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, क्या करोगे? दुनिया ही ऐसी है, कितने गृहस्थ बुजुर्ग बूढ़े मिलते हैं, कहते हैं साहेब जमाना बहुत बिगड़ गया है, कलयुग का जमाना आ गया है साहब, ये बेटे बहू बात नहीं मानते, महाराज बहुत दुख है। मैं तो क्यों दुखी होते हो, जब भगवान के बेटे उनकी बात नहीं माने तो आपके बेटे बात नहीं माने तो कौन बड़ी बात हो गई भाई, कृष्ण की याद कर लो संतोष हो जाएगा। तो कौन मनवा पाया है? लेकिन कृष्ण दुखी नहीं हुए, ये उनकी वीरता। उनकी हम पूजा करते हैं, उनके जीवन से सीख नहीं लेते। सोचें जैसा महाभारत में लिखा हुआ है उसके अनुसार जिस समय श्री कृष्ण के सामने उनके परिवार के लोग शराब पीकर उन्मत्त होकर एक दूसरे को काट काट करके मर गए, उस समय श्री कृष्ण की उम्र रही होगी लगभग 120 साल की, क्योंकि महाभारत में लिखा है कि यह घटना महाभारत की लड़ाई के 36 साल बाद घटी है। और जिस समय महाभारत की लड़ाई हुई है उस समय अर्जुन की उम्र लगभग 84-85 साल की रही होगी, और धृष्टराष्ट्र ने युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों 90 साल की उम्र रहे, 90 साल बूढ़ा लड़ रहे हैं राज्य के लिए, ये भी अजीब बात है। तो जिस श्री कृष्ण की उम्र 120 साल के बूढ़े व्यक्ति के सामने उनका पूरा कुल कुटुंब परिवार कट करके मर गया, एक दो की बात नहीं, पूरा परिवार कट करके मर गया, सोच सकते हैं उनकी हालत क्या होगी।
आपके परिवार में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, आप खाना पीना छोड़ देते हो, न भूख लगती है न नींद लगती है, समझाते रह जाते हैं लोग लेकिन समझ नहीं पाते हो, धीरज नहीं रख पाते, रोते रह जाते हो, और श्री कृष्ण के सामने पूरा परिवार कट करके मर गया है, वो जाकर के पीछे ध्यान समाधि लगा करके बैठते हैं। कितना उन्होंने अपने मन के बस में किया होगा, कितना उन्होंने संभाला होगा अपने को, ये उनकी वीरता, ये सीख लीजिए। इतनी बड़ी विपत्ति आई, इतनी बड़ी दुर्घटना घटी और वे स्वयं जाकर के ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं, समाधि में बैठ रहे हैं, ये उनके योगी होने की पहचान है। घटना कितना सही कितना गलत होने का था, लेकिन महाभारत में ही लिखा हुआ है। हम जो कुछ सुनते समझते हैं ना, उस समय काम आएगा जब हमारे सामने प्रतिकूलता हो, दुख हो, विपत्ति हो, और अपने को संभाल करके रह सके, शांत रह सके। यहां तो बात इतनी ही है, चाहे कोई माने चाहे मत माने, अपने मौज में मगन रहना, अच्छी सीख दे दो, कभी भी किसी को गलत सीख मत दो, गलत राय ना दो, किसी के सामने गलत बात मत कहो, अच्छी सीख नहीं दे सकते, अच्छी राय नहीं दे सकते, अच्छी बात नहीं कह सकते, तो मौन रह जाओ लेकिन गलत बात मत दो। किसी को गलत सीख देना, गलत राय देना भयंकर पाप है। आप उसके जीवन को बर्बाद कर रहे हो, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार के जीवन को बर्बाद कर रहे हो और सामाजिक व्यवस्था को नष्ट कर रहे हो, भयंकर पाप है ये। किसी आदमी गलत सीख देना, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई हो, जब चाहो अच्छी सीख दो, नहीं दे सकते तो मौन रहो। मौन रहना अलग, लेकिन गलत बात न कहना, अच्छी सीख दो, मान लिए धन्यवाद, न मान लिए धन्यवाद, लेकिन अपनी प्रसन्नता को, अपने भीतर की शांति को, अपने मन के बैलेंस को कभी कम ना होने दो, सदैव एक रथ बना करके रखो। सारे कहने सुनने का अर्थ यही होता है, सत्यवाद की शिक्षा देना, पक्षपात नहीं करना। श्री निर्मलता जी कहते हैं, जब बोलो सत्यवाद की, सत्य सिद्धांत की बात को शिक्षा दो, झूठ कभी ना बोलो, ऐसी बात कभी ना बोलो जिससे दूसरे को गलत प्रेरणा मिले। धर्म के नाम पर बहुत सारी बातें ऐसी कही जाती हैं जिनका सत्य से कोई लेना देना नहीं होता है। मनोरंजन तो हो जाता है लेकिन भ्रांति में आदमी पड़ जाता है, कल्पना में पड़ जाता है। साहब कहते हैं नहीं, सत्यवाद, सत्य बात कहना, सत्यता में जीना, सत्यता का आचरण करना, यही तो वास्तविक तप है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सदगुरु कबीर कहते हैं, सांच के समान कोई तपस्या नहीं है और झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं है। भूखे रह लेना, नंगे रह लेना, मौनी बन करके रह लेना, कपड़ा न पहनना, ये सरल है, लेकिन सत्य के मार्ग में आने वाली जो विघ्न बाधाएं हैं उनको सहन करके सत्य के पथ पर चलते रहना, सत्य से कभी विचलित न होना, ये कठिन है और यही वास्तविक तप है। हरिश्चंद्र की कहानी चाहे सच हो चाहे झूठ हो, घटना घटी हो या न घटी हो, लेकिन कितनी प्रेरणादायक है।
कितनी विपत्तियां आई उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं सत्य के मार्ग को। विजय उनकी ही हुई। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विदुतो देवयाना। ऋषि कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, नानृतम असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विदुतो देवयाना, देवताओं का मार्ग सत्य से ही विस्तृत है, इसलिए स्वयं सत्य में जिए और सत्यवाद की सीख दें। वाल्मीकि रामायण में राम से कहलवाया गया है सत्यमेव सर्वलोके सत्ये धर्मा सदाश्रिता सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम पदम। सत्यम एव ईश्वरे लोके, इस लोक में संसार में सत्य ही ईश्वर है। सत्य को छोड़ करके आपको कोई और अलग ईश्वर मिलने वाला नहीं है। ईश्वर सत्य है, ये कहना गलत। सत्य ईश्वर है ये कहना सच। सत्य बड़ा ईश्वर आपको आपको कौन मिलेगा? तो सत्य में वे सर्व लोके सत्य धर्मा सदाश्रिता, सदा से सब समय से धर्म सदैव सत्य पर ही टिका हुआ है। धर्म दूसर सत्य समानों को स्वामी जी मानस में कहते हैं। सत्य का ज्ञान, सत्य का आचरण, सत्यता पूर्ण व्यवहार, सत्यता पूर्ण वाणी समान कोई और धर्म नहीं है। इसलिए सभी धर्मों का आधार सत्य। सत्य मूलानि सर्वानि, जितने भी शुभ कर्म हैं सबके मूल में सत्य है। सत्य नास्ति परम पदम, सत्य से बढ़कर के परम पद और कोई नहीं है, ये राम कहते हैं वाल्मीकि रामायण में। इसलिए सत्यवाद की शिक्षा देना, जब किसी शिक्षा देने हो तो सत्यवाद सत्य सिद्धांत की। सत्य सत्य क्या है? जो किसी भी तर्क से कटे ना। हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट। सदगुरु कबीर कहते हैं हीरा वह प्रसन्न नहीं होता है जो घनों की चोट सहता है लेकिन टूटता नहीं है। ये हीरे की खास पहचान, निहाय पर रख लो और मारो घन पर घन, हीरा कभी टूटे नहीं। टूट गया समझना कच्चा हीरा है, असली हीरा नहीं है। असली हीरा या तो छटक करके दूर चला जाएगा या निहाय में या घन में धंस जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं, एक छोटा टुकड़ा भी नहीं होगा उसमें। हीरे को काटने के लिए हीरा को हीरा से ही काटा जाता है। यहां सारी उदाहरण देते हैं हीरा का। इसी प्रकार साहब कहते हैं सिद्धांत वह सही है, मनुष्य वह सही है जो तर्क कसौटी पर कसे ना और प्रतिकूलताओं से घबराए ना, विघ्न बाधाओं से विचलित न हो। उसकी सीख तो पक्षपात नहीं करना, पक्षपात मत करना। हमारा सिद्धांत बड़ा, हमारा पंथ बड़ा, तुम्हारा छोटा, हमारे गुरु बड़े, तुम्हारे गुरु छोटे, ये पक्षपात नहीं करना। सत्य किसी पक्षपात से मिलेगा नहीं। सत्य को पाने के लिए बिल्कुल पक्षपात रहित होना, निरपक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान। निरपक्ष हो, सब तरह से निष्पक्ष, सब तरह से न्यूट्रल। कौन अपना कौन पराया? अनादिकाल की दुनिया में ये जीव पता नहीं किस किस पंथ में शरीर में जाकर के शरीर धारण किया और किस किस पंथ को मानता रहा, किस किस देव देवता पूजा करता रहा, कोई ठिकाना है? कौन हमारा पंथ, कौन पराया पंथ? हमारा पंथ क्या है? सत्य का पंथ हमारा पंथ है, बस। सत्य का मार्ग हमारा मार्ग है, सत्य का धर्म हमारा धर्म है। और दुनिया में सत्य सीख देने वाले जितने संत महात्मा हैं वो सब हमारे गुरु पीर हैं। फिर किसका पक्ष? हमारे गुरु ने कह दिया, हमारे धर्मग्रंथ में जो लिखा है वो सच, बाकी सब झूठ, ये पक्षपात मत करना। सत्य किसी का होता नहीं, सत्य सबका होता है। निरपक्ष हो, सब तरह निरपक्ष, बेला तब
सही मार्ग में चल सकेंगे। कठिनाई आएगी, लेकिन कठिनाई से डर करके हम सही रास्ता चलना छोड़ दें, झूठ कब तक सहारा देगा? झूठ के बल पर चलोगे तो आज नहीं तो कल गिरना ही पड़ेगा। झूठ को भी लोग सत्य आधार पर चलाना चाहते हैं। आप देखो भाई, जितनी बात मैंने कही ना, ये झूठ है, इसको मानना मत, तब क्या होगा? जो बराबर झूठ बोल रहा है, भैया गंगा कसम भगवान की क्रिया ये सच है, भले वो झूठ बोल रहा है, तो सच को झूठ को भी लोग सच के आधार पर चलाना चाहता है, तो सत्य पर विहार क्यों ना करो? सब छूट जाए, सत्य को पकड़ लिए, बाकी कुछ छूटा नहीं, सब मिल गया, सत्य छूट गया तो बाकी क्या मिला? इसलिए सत्य को समझना है, सत्य में जीना है और सत्य की सीख देना है पक्षपात रहित होकर। लेकिन साहब ये कहते हैं, राग द्वेष में चित नहीं देना, भला बुरा सबका सहना। कोई आपको गाली देगा, कोई आपको प्रसन्नता कहेगा, कोई कहेगा अरे बाबा साधु बना है, ढोंगी है, बस कपटी है, और कोई कहेगा भैया बड़े अच्छे साधु हैं। चाहे सबका भला बुरा सुनो, दुखी मत हो। किसके जबान को आप बंद करोगे? अपनी जबान बंद कर लो, बस पर्याप्त। ये दुनिया है, जिसकी जैसी समझ होगी वो वैसा कहेगा, जाकी जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, दोत नवा को दीजिए लेन कहां को जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिसकी जितनी बुद्धि है वो उतनी ही बात कहेगा, उसका दोष क्यों देते बेचारे को, उसकी बुद्धि ही उतनी है, वो अच्छी बुद्धि लेने के लिए कहां जाएगा? इसलिए वो दया का क्षमा का पात्र, उसे उलझो मत, दुखी मत हो। ये मत सोचो हम साधु हो गए, हम महात्मा हो गए, हम गुरु हो गए, हम तो समाज सेवा का काम करते हैं, हमें कोई गलत नहीं कहेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा से अच्छा जीवन जियोगे तो भी गलत कहने वाले वहां मिलेंगे, और निकट में ही मिलेंगे कहने वाले, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सबका सुनो, लेकिन राग द्वेष में चित नहीं देना। जो प्रशंसा कर रहे हैं उनमें राग मत करना, जो विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उनसे द्वेष मत करना। राग और द्वेष करना अपनी कमजोरी है, जितने हमारे भीतर कमजोरी होगी उतने हम राग और द्वेष के जाल में उलझते चले जाएंगे, और ये राग और द्वेष यही जमजाल है, जमजाल और कहीं बाहर नहीं है। राग और द्वेष को काट दिए कहीं कोई बंधन रहा नहीं, अनुकूल अनुकूल लोग मिलेंगे, थोड़ी सी अनुकूलता मिलती है, थोड़ी सी सुविधा मिलती, थोड़े से सुख मिलता है, कहीं गए बढ़िया खाने को मिल गया, वहां तुरंत राग, सुखानु सही राग। योग दर्शन में कहा गया, सुख के पीछे चलने वाला जो वृत्ति है वो राग बनाती है, दुखानु सही द्वेष, दुख के अनुसय करने, दुख के पीछे चलने वाले पर उसकी याद करते रहना, द्वेष बन जाएगा। इसलिए राग द्वेष नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा है, जैसी कहे करे पुनि तैसी, राग द्वेष निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, यही विधि आप समारे। जैसे तुम सत्य की बात कह रहे हो, ज्ञान की बात कह रहे हो, वैसे जीवन का आचरण, जीवन का व्यवहार करो।
तो ऐसा तो कोई भी कह सकता है। हर आदमी कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसा जीता हूँ वैसा करता हूँ। कसौटी क्या है, पहचान क्या है? राग और द्वेष का निवारण करना। राग द्वेष में चित्त उलझा हुआ है तब तो फिर क्लेश के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। ये राग द्वेष भयंकर आग, सबकी चित्त में ये जल रही है आग। राग से भी ऊपर उठे, द्वेष से भी ऊपर उठे, यह निश्चित है। जीवन का व्यवहार, सेवा का काम, साधना का काम अनुकूल लोगों के बीच ही अच्छा बनता है, उसमें सरलता होती है। जहाँ सब प्रतिकूल है न वहाँ ठीक से सेवा बनेगी न साधना बनेगी। सहज व्यवहार का काम भी प्रतिकूलता में करने में कठिनाई होती है, अनुकूलता में सरलता होती है। लेकिन जीवन ऐसा है, अनुकूलता मिलेगी प्रतिकूलता मिलेगी। अपने को दोनों से ऊपर उठा करके रखना है, न राग बनने पाए न द्वेष बनने पाए। समता में जीना, समता में जीना ही हमारी विजय है। समता में जीना ही मोक्ष का रास्ता है। हम दुनिया को या तो राग के नेत्रों से देखते हैं या द्वेष के नेत्रों से देखते हैं। राग और द्वेष बस इसी में हम जी रहे हैं, घर में ही है। पिता ने माँ ने कुछ कह दिया, बेटा ने कुछ कह दिया प्रतिकूल बात, पत्नी ने कह दिया, पति ने कह दिया, बहू ने कह दिया, साथ में बस थोड़े में द्वेष बन गया। कुछ समय के लिए चित्त व्याकुल, किसी दिन थोड़ी प्रसन्नता कर दी उछलने लग गए। ये कमजोरी है, सबको सहन कर सबको सहन करना होगा। कह दिया कह दिया, क्या करोगे? सकते भला बुरा सबका सहना, सबका भला बुरा सहो और धन्यवाद दो, गाली दे उसको भी धन्यवाद। ये समझना होगा, जिस समय जिसकी जैसी समझ होती है, जैसी बुद्धि होती है, उस समय वो वही तो कहेगा, दूसरा कहेगा कहाँ? वही व्यक्ति है कभी प्रसन्नता करता है, मीठी बात कहता है, वही व्यक्ति कभी निंदा करता है, कड़वी बात कहता है। व्यक्ति वही है, मन बदल गया बस थोड़ा सा। किसी ने हमें कड़वी बात कह दी, इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी बुरा हो गया है, हमारे विरोधी हो गया है। किसी ने हमारे हमें मीठी बात की प्रशंसा कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्रशंसक हो गया, हमारा सहयोगी हो गया। मन है बस। तो जिसके पास जो हो, जिस समय होगा वही तो कहेगा ना। वो कहानी याद करो, जिसके भीतर जो होता वो निकलता है। कहानी बातों को समझाने के लिए बनाई जाती है। अकबर और बीरबल के नाम से बहुत सारी कहानी बना ली गई है। तो ये कहानी है अकबर और बीरबल की। बीरबल अकबर के मंत्री, हमेशा खुश रहने वाले, हाजिर जवाब, प्रसन्न, कभी दुखी नहीं होते थे, गुस्सा नहीं करते थे, कुछ है जो कुछ कहते मुस्कुराते रहते थे। अकबर और उनके सभासद अन्य दरबारी सोचते थे कि बीरबल कभी दुखी नहीं होते, कभी गुस्सा नहीं करते, कभी किसी को कड़वी बात नहीं कहते, कभी इनको गुस्सा दिलाना चाहिए। उपाय किए, हार गए, लेकिन उपाय खोदते रहे। अकबर ने सोचा कि क्या करूं कि बीरबल को गुस्सा आ जाए। तो सोचा उपाय मिल गया,
एक दिन अकबर का दरबार लगा था, सभासद दरबारी बैठे हुए थे। अकबर दरबार तो लगा था लेकिन बीरबल नहीं आए, थोड़ी देरी से आए बीरबल। तो बीरबल जैसे दरबार में आए वैसे ही अकबर ने कहा, आओ सुअर के बच्चे। अब किसी को एकाएक सुअर के बच्चे कह दो तो गुस्सा ना स्वाभाविक है, कोई सहन कर नहीं करेगा। तो जैसे बीरबल घुसे दरबार में वैसे अकबर ने कहा, आओ सुअर के बच्चे। अकबर की बात सुनकर बीरबल ने कहा, हुजूर के मुंह में घी शक्कर। सब आश्चर्य पड़ गए। अकबर को भी आश्चर्य हुआ कि मैंने इतनी बड़ी गाली दी, ये गुस्सा नहीं किया, दुखी नहीं हुआ और कहता है कि हुजूर के मुंह में घी शक्कर। तो अकबर ने बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी गाली दी, तुम्हें तुम दुखी नहीं, तुम्हें तुम गुस्सा नहीं किए, क्यों? तो बीरबल ने कहा, हुजूर इतने गुस्सा करने की क्या बात है, जिसके मुंह में जो था वो निकल गया। मतलब अकबर मुंह में सुबर का बच्चा था वो आपके मुंह से निकल गया, मुझे मेरे मुंह घी तक वो निकल गया। तो जिसकी भी तो जो होगा वही तो निकलेगा ना, फिर राग द्वेष क्यों? लेकिन हम उलझ जाते, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, उन्होंने मुझे गाली दी, उन्होंने मेरी निंदा की, उन्होंने मेरी बदनामी की, अब दुखी होगी, द्वेष बना लिए। ये उनकी कमजोरी नहीं, हमारी कमजोरी। हम जो ज्ञान की बातें जानते हैं उसको जीने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। जीने का अभ्यास करना होगा, सबका सहो सबका सहना होगा। राग द्वेष में चित नहीं देना, भला बुरा सबका सहना। यदि हम राग द्वेष में नहीं पड़ते, सबका सहन करके शांत रहते हैं तो अपने जीवन के हम मालिक बन गए हैं। फिर कहीं चले जाएं, न कोई व्यक्ति हमें दुखी कर पाएगा, न कोई परिस्थिति हमको दुखी कर पाएगी। ये जीवन जीने की कला है। ये सब समय मन को समता में रहना, राग द्वेष ऊपर उठाकर जीना, यही आर्ट ऑफ लिविंग है। बाकी तो बहुत सारी बातें होती हैं। अब इसकी आवश्यकता घर बाहर, खेत खलिहान, दफ्तर कारखाना, मठ आश्रम, रेल बस, सब जगह पड़ती है। हर जगह उलझने की नौबत आती है, हर जगह कुछ कहने वाले मिलते हैं, क्या करोगे? बैर विरोध किसी से नहीं, दो दिन है इस जग में रहना। साहब कहते हैं, दो दिन बहुत थोड़े समय तक दुनिया में रहना है, इसलिए किसी से बैर विरोध मत करो। किसके लिए बैर, किसके लिए विरोध? जिस धन के लिए, जिस पद के लिए, जिस जमीन के लिए, जिस मकान के लिए, जिस खाने पीने के लिए दूसरे से बैर विरोध कर रहे हो, क्या वो धन जमीन मठ मकान कपड़े लत्ते गहने खाने में इतनी एक चीज सदैव साथ में रहेगी? आदमी सुख से शांति से प्रेम से रहना नहीं जानता, लड़ लड़ करके जीवन बर्बाद कर लेता है और अपने को मानता है बड़ा सुरवीर। लड़ने वाला सुरवीर नहीं होता, झुक जाने वाला, हार जाने वाला वो सूरवीर होता है। किसे बैर विरोध करो? मान लो आप कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कि एक जगह एक आदमी बैठा है या खड़ा है, जो भी है, और वहीं पर दूसरा आदमी उसको खूब गुस्से में आकर खूब भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, जो मन में आया सब कह रहा है। दूसरा आदमी बिल्कुल चुप, बोलता नहीं, मुस्कुरा रहा है। अब अच्छा किसको मानोगे? जो गाली दे रहा है उसको अच्छा मानोगे, या जो चुपचाप सुन रहा है, मुस्कुरा रहा है, उसको अच्छा मानोगे? चाहे आप जितनी गाली बको, चाहे आप जितना गुस्सा करो, या जितनी लड़ाई करो, जो गाली दे रहा है लड़ रहा है उसको आप अच्छा तो नहीं कहोगे? कभी ये नहीं कहो, भैया आ तुमने ऐसी गाली दी,
ऐसा गुस्सा किया सुनकर मेरा मन खुश हो गया। कभी ऐसा कहोगे क्या? यही कहोगे भैया आपने इतनी गाली दी फिर भी आप शांत रहे, धन्य है आपका जीवन, आप प्रसन्नता उसकी करोगे। तो हारने वाला ही बड़ा होता है, जीतने वाला बड़ा नहीं होता। लेकिन हमारा अहंकार यही चाहता है कि मैं सब जगह जीत करके रहूं, मुझे किसी से दबना ना पड़े। और परिणाम क्या हो? जितना अहंकार बढ़ेगा, जितना स्वार्थ बढ़ेगा, उतना बैर बढ़ेगा, विरोध बढ़ेगा। जितनी जीत की कामना होगी उतने विरोधी बढ़ते चले जाएंगे। एक बैरी को मारोगे दस बैरी खड़े हो जाएंगे। गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे, रक्त बीज का उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा। एक दैत्य था, उसको कोई हरा नहीं पाता था। उसे मार दो, उसकी गर्दन को काट दो, तो उसके शरीर से जितने रक्त जमीन पर गिरते थे उतने रक्त बीज पैदा हो जाते थे। एक को तो मारा, 100 बूंद खून गिर गई तो 100 रक्त बीज पैदा हो गए। अब क्या करोगे? उनको मारो तो उतने से फिर पैदा हो गए रक्त बीज। ऐसा वो रक्त बीज कोई हुआ नहीं है। मतलब यह है जिसे आप शत्रु मानते हो उसको बैर करोगे तो एक को मारोगे 10 रक्त बीज आपको शत्रु आपको पैदा हो जाएंगे। ये नियम है। इसलिए किसी शत्रु को मारने के मत सोचो, वो जिए। अपने अंदर में जो बैर विरोध की भावना है उसको मार लो, कोई शत्रु होगा ही नहीं। शत्रु बाहर है भी नहीं। हमारे गलत कर्म, हमारा गलत व्यवहार, हमारा गलत आचरण, हमारा गलत स्वभाव, हमारे के दोष दुर्गुण, ये हमारे शत्रु हैं, ये हमारे विरोधी हैं। और उनको सब हम बड़े प्रेम से पाल रहे हैं, अभय दान दे दे करके पाल रहे हैं। अब बाहर शत्रु को मारना चाहते हैं, कहाँ मार पाओगे? भीतर जब तक बैर विरोध की भावना है, शत्रुता है, तब तक शत्रु बाहर बने ही रह जाएंगे। तो बाहर कोई शत्रु नहीं है। साहब कहते हैं बैर विरोध किसी से ना ही, किसी से भी बैर विरोध मत करो। दो दिन है जग में रहना, अरे दो दिन, थोड़े दिन की जिंदगी है, लड़ लड़ करके क्यों जी रहे हो? प्रेम करके, सेवा करके जियो, इसमें जीवन की सफलता है। लड़ने वाले की सफलता नहीं है, लड़ने वाले की पूजा नहीं होती है, पूजा होती है प्रेम से जीने वाले की, शांति से, संतोष से जीने वाले। उन्हें हम संत कहते हैं, उन्हें हम गुरु कहते हैं, उनका हम आदर्श लेते हैं। इसलिए बैर विरोध, किसी से भी बैर विरोध नहीं। कोई आपका नुकसान करता उससे भी बैर विरोध मत करो। नुकसान हो गया, उस चीज आपको फिर मिल जाएगी। कितना नुकसान हो जाए, आज जिंदगी भर आपको खाने पीने की चीज मिलती रहेगी, पहने कपड़े मिलेंगे, रहने जगह मिलेगी, ये विश्वास रखो। इसलिए किसी से भी उलझो मत, अपने को बचा करके रखो। थोड़े दिन की जिंदगी बैर विरोध बना करके संस्कार खराब कर लिए, पता नहीं आगे फिर क्या होगा। संस्कार खराब है तो कल भी खराब हो जाएगा। इसलिए प्रेम से, समता से, सेवा से, सहयोग से जीने की आदत बनाए, यही सुख का रास्ता है। निर्मल दास, तजके विक्षेपता चित्त की वृत्ति शांत करना। श्री निर्मल साहब जी कहते हैं तुम्हारी चित्त में जो चंचलता है, उद्वेग है, व्याकुलता है, इनको छोड़ दो, ये तुम्हारे शत्रु हैं। हमारा चित्त हर समय विक्षेपित रहता है, चंचल बना रहता है। क्यों? गलत बातों को सोच करके। और चित्त जितना चंचल बना रहेगा, विक्षेप में पड़ा रहेगा, उतना ही हमारी शांति दूर रहेगी।
हम आत्म साक्षात्कार का काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई तालाब है, पानी भरा है, उसमें हवा चल रही है, अब पानी में लहर पर लहर उठ रही है, लहरें पर लहरें आ रही है, जा रही है, वहां जाकर आप खड़े होकर अपना प्रतिबिंब देखना चाहो तो दिखाई नहीं पड़ेगा, हिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, यथार्थ बोध नहीं होगा। जब पानी शांत हो जाएगा, तरंग रहित निश्चल, तब वहां जाकर खड़े हो तो स्वच्छ पानी में आपका प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई पड़ेगा, ज्यों का त्यों। ऐसे ही जब राग द्वेष बैर विरोध ईर्ष्या घृणा आदि विकारों से चित्त रहित होकर के शुद्ध रहेगा, शुद्ध हो जाएगा और सारी चंचलता छोड़ करके विक्षेप रहित शांत हो जाएगा, तब आत्मानुभव होगा, परमात्मानुभव होगा, आत्म शांति का अनुभव होगा, और रास्ता नहीं है। तो चित्त में जो उद्वेग है, विक्षेपता है, व्याकुलता, इस सब को छोड़ दो, चित्त वृत्ति शांत करना, चित्त वृत्तियों को शांत कर करके ध्यान साधना का अभ्यास करो, आत्मीयता का अभ्यास करें। बाहर व्यवहार जितना सुलझा हुआ होगा, मन जितना संतुष्ट होगा, साथियों के साथ प्रेम समता एकता का व्यवहार होगा, कभी कमी का अनुभव नहीं होगा। ज्ञान विवेक विचार में जब चित्त रमा रहेगा तब चित्त की वृत्ति शांत होगी, अन्यथा हम कितना जानते हैं, कितना बोलते हैं, कितना लिखते हैं, ये काम नहीं आने वाले हैं। कितना हमने धन कमाया, कितना बड़ा हमने मकान बनाया, कितनी जमीन हमने खरीद ली, कितना हमारा नाम फैल गया, कितना बड़ा पद हमें मिल गया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हमें चित्त की वृत्ति कितनी शांत है। चित्त की चंचलता नरक और चित्त की एकाग्रता अंतर्मुखता स्वर्ग हो या बहिष्ठ, जो चित्त न डोलावे। सद्गुरु कबीर कहते हैं, यदि अपने चित्त को चंचल न करो, चित्त वृत्तियों को बहिर्मुख न बनाओ, शांत कर लो, आज इसी क्षण जहां बैठे हैं वहीं स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो, दोनों मिल जाएंगे। भटकना कहीं नहीं है, पाना कहीं से नहीं है, जिसे पाना है नित्य प्राप्त है, समझना है। और समझ करके केवल एक काम करना है, चित्तवृत्ति को शांत करना। और मात्र कहने सुने से होगा, कहे सुने कछु हाथ ना आवे, कहने सुने से हाथ में नहीं आने वाला है। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, रोज अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास भी तब होगा जब व्यवहार सुलझा हुआ होगा, उलझा किसी से लड़कर झगड़कर बैर करके विरोध करके किसी का नुकसान करके आप चाहो हमारी चित्तवृत्ति शांत हो जाए, संभव ही नहीं है। जितना अपने को बचा बचा करके चलेंगे, अपने को समेटते जाएंगे, सहन करते जाएंगे, समता में जीते जाएंगे, संतोष में जीते जाएंगे, ज्ञान विवेक विचार में चित्त को लगा करके रखेंगे, तब चित्त वृत्ति शांत होगी। पानी को हिलाते रह जाओगे तो देखोगे कैसे उसमें प्रतिबिंब, शांत होने दो तब प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो विक्षेप, बाहर से विक्षेप तो आते रहेंगे, बाहर के विक्षेप को हम रोक नहीं सकते, भीतर विक्षेप ना हो। भीतर विक्षेप क्या है? और राग द्वेष बैर विरोध अहंता ममता मोह माया ईर्ष्या द्वेष और तमाम स्वार्थ अहंकार, यही विक्षेप है भीतर का। इस भीतर विक्षेप को जिसने मिटा दिया उसका चित्त अपने आप शांत होने लगेगा।
और चीज शांत हो गया, क्लेश रह ही नहीं गया, चीज शांत हो गया, बंधन रह ही नहीं गया, सारा सुख चित्त की शांति में है। चित्त चंचल है तो दुनिया का कोई भोग आपको सुख नहीं दे पाएगा। चित्त चंचल है, कहीं चले जाओ आत्मा परमात्मा का अनुभव नहीं होने वाला है। सारा सुख, सारी शांति, परमानंद, स्वर्ग, मोक्ष, आत्मानुभव, परमात्मानुभव, आत्मा साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, सब कुछ चित्त की शांति में है। चित्त का शांत होना ही सब कुछ के प्राप्ति, ब्रह्म ईश्वर की प्राप्ति, स्वर्ग आदि की प्राप्ति है। श्री निर्मलता जी कहते हैं चित्त की वृत्ति शांत करना, भीतर का विक्षेप दूर करके, भीतर उद्वेग दूर करके चित्त वृत्ति को शांत कर दो। जीवन कृतार्थ, कहीं भटकने की या कुछ कायद करने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे पद में श्री निर्मल साहब हमें ये बताते हैं कि जीवन को कैसे जीना है। अनुकूल लोग मिलेंगे, प्रतिकूल लोग मिलेंगे, निंदा करने वाले, प्रशंसा करने वाले, घाटा देने वाले, लाभ पहुंचाने वाले, सेवा करने वाले, विरोध करने वाले मिलेंगे। परिवार में किसी की मृत्यु होगी, शरीर में रोग होगा, कहीं कुछ घाटा होगा, ये सब तो होता रहेगा, सब समय रहा हुआ है, आज है, आगे होता रहेगा। कहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, इन सब के बीच में कैसे अपनी सही बात लोगों को बता दो, सही सीख दे दो, लेकिन मनमाने का हट ना करो, अपने मौज में मस्त रहो। जो बात बता रहे हो दूसरे को उसमें जियो, बस मौज। जब किसी को कहना है तो सही बात बताओ, सत्य बात, पक्षपात रहित हो करके। ये अपना पराया नहीं, अपना पराया कोई नहीं है। जिन्हें अपना मानते हुए छूटेंगे, पराया मानते हुए वो छूटेंगे, सब हमारे हैं, सब हमारे सजाती बंधु, मनुष्य मात्र की एक जाति, जितने मनुष्य सब भाई बंधु हैं, और जितने मनुष्य सब चेतन है, शरीर दृष्टि से भी भाई बंधु हैं, चेतन दृष्टि से भी भाई बंधु हैं। फिर किसके पक्षपात, किससे राग, किससे द्वेष, किससे बैर, किससे विरोध, इससे दूर हट, ऊपर उठ जाओ। समता भाव में, प्रेम भाव में, संतोष भाव में जीवन जियो, अचित वृत्ति के शांत कर करके अंतर्मुख आत्मलीन होने का काम करें। इसी जीवन में स्वर्ग, इसी में मोक्ष, व्यवहार और परमार्थ दोनों का काम बढ़िया सज जाएगा। पुनः एक बार पद दोहरा कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई माने ना माने हमार कहना, चाहे कोई माने चाहे मत माने, अपने मौज में मगन रहना, सत्यवाद की शिक्षा देना, पक्षपात नहीं करना, राग द्वेष में चित नहीं देना, भला बुरा सबका सहना, बैर विरोध किसी से नाही, दो दिन है जग में रहना। निर्मल दास, तज के विक्षेपता, चित वृत्ति को शांत करना। बस अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।